हेलो फ्रेंड्स, मैं संपला कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ। सर्कुलर क्यू के बारे में हर एक चीज में यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो सीरीज बनाया है। सो कंटेंट को जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। तो चलो हम इस वीडियो सेशन में देखते हैं कि सर्कुलर क्यू का वर्किंग कैसे होता है, सर्कुलर क्यू कैसे वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ सर्कुलर क्यू। सो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है, सर्कुलर क्यू जो वर्क होता है वो सर्कुलर इंक्रीमेंट इस कंसेप्ट से वर्क होता है। अभी ये सर्कुलर इंक्रीमेंट क्या होता है वो हम देखते हैं। उससे पहले हम यह देखते हैं कि जो सर्कुलर क्यू होता है उसका बेनिफिट क्या होता है। सो सबसे पहले हम जब एंड पे आते हैं, डिलीट या इंसर्ट करते करते एंड ऑफ द क्यू, तो फिर से हमें स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, इसका मतलब है कि अब फिर से हमें फ्रंट से काम करना स्टार्ट करना है। इसका मतलब कि हम सर्कुलरली हमारी सर्कुलर क्यू पे वर्क करते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है रिलेटेड टू सर्कुलर इंक्रीमेंट। तो सर्कुलर इंक्रीमेंट जो है वो हमें गो राउंड एंड राउंड करने में मदद करता है, क्योंकि यही तो मेन कंसेप्ट है हमारी सर्कुलर क्यू का, जो जिसके साथ हम सर्कुलर इंक्रीमेंट करते हैं। तो अभी गो राउंड एंड राउंड वो क्या होता है, उसे करने के लिए राउंड एंड राउंड हमें घूमने के लिए हमें मॉड्यूलो डिवीजन इस फंक्शन का यूज करना है। अदर वे राउंड हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर्कुलर इंक्रीमेंट और गो राउंड एंड राउंड ये दोनों चीजें एक ही है, और उसे करने के लिए हमें मॉड्यूलो डिवीजन फंक्शन का यूज करना होता है। सो मॉड्यूलो डिवीजन हम किसके साथ करेंगे, तो हम वो क्यू साइज के साथ करेंगे। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको गो राउंड एंड राउंड वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं हम कैसे गोल गोल घूमने वाले हैं इस सर्कुलर क्यू के साथ। तो सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है कि हमें हमेशा फ्रंट और रियर की पोजीशन चेक करनी है। इसका मतलब है कि अगर हमें इंसर्ट करना है तो हमें रियर की पोजीशन चेक करनी है, और अगर हमें डिलीट करना है तो हमें फ्रंट की पोजीशन चेक करनी है। ये दोनों की पोजीशन हमें क्या चेक करनी है कि अगर वो मैक्स साइज मतलब कि अपर बाउंड पे रेस्ट किए हुए है या नहीं। अगर वो मैक्सिमम साइज पे ऑलरेडी है, दोनों अगर मैक्सिमम साइज को पॉइंट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ये राउंड एंड राउंड घूमने के लिए हमें मैक्सिमम साइज के बाद कौन सी पोजीशन आने वाली है, तो जीरोथ पोजीशन आने वाली है, क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है, क्योंकि उसका लास्ट एंड इसके फ्रंट एंड पे कनेक्टेड है। तो मैक्सिमम साइज के बाद हमारा जीरोथ पोजीशन आने वाला है, इसलिए हमें मैक्सिमम साइज पे अगर कोई भी पॉइंटर है और रिस्पेक्टिव ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है तो उसे हमें जीरोथ पोजीशन पे इनिशियलाइज करना है। तो ये करने के लिए हमें मॉड्यूलो फंक्शन जो है वो यूज करता है। तो हम उससे पहले देखते हैं कि अगर हमारी क्यू की साइज 10 है, तो क्यू की साइज 10 अगर है तो हमें जो मॉड्यूलो डिवीजन फंक्शन यूज करना है वो हम कैसे यूज करेंगे। तो अगर हमारे पास जो कुछ वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है और उसका जो पोजीशन है उसे हमें मॉड्यूलो डिवीजन बाय 10 करना है, यहाँ पे कंसीडर करना है कि हमारी क्यू का साइज 10 है, तो जो कुछ भी रिमाइंडर बचेगा आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन डिवीजन ऑपरेशन मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेशन, उसके बाद जो कोई रिमाइंडर आएगा उस पोजीशन पे हमें वो वैल्यू को इंसर्ट करना है।
वो आपको पता है मॉड्यूलो डिवीजन जो फंक्शन होता है वो रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट वो 0 to 9 ही देगा और वही हमारा रिक्वायर्ड पोजीशन है अगर हमारी क्यू की साइज 10 है। दीज आर ओनली द वैलिड लोकेशंस 0 to 9। सो इसीलिए हमें मॉड्यूलो डिवीजन फंक्शन यूज करना है। और यहाँ पे मैं लास्ट में यही एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि 0 to 9 जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमारा एग्जैक्टली वही हमें यूज करना है एज इट्स पोजीशन जिसपे हम नया एलिमेंट इंसर्ट करने वाले हैं। यही मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ और सबसे पहले फॉर्मूला के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर हमें फ्रंट और रेयर राउंड एंड राउंड इंक्रीमेंट करने हैं तो इंक्रीमेंट करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रंट को इंक्रीमेंट अगर हमें करना है तो उसका फॉर्मूला है फ्रंट प्लस 1 मॉड्यूलो डिवीजन मैक्सिमम साइज। इसका रिजल्ट जो आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा अपडेटेड फ्रंट होगा। और उसके साथ साथ हमारा जो सेकेंड फॉर्मूला है रेयर को इंक्रीमेंट करने के लिए वो भी सेम है, जस्ट ओनली यहाँ पे जो फ्रंट है वो रिप्लेस हो जाएगा रेयर से। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये दोनों जो फॉर्मूले हैं वो हमें हेल्प करते हैं राउंड एंड राउंड मूव होने के लिए। रेयर जो है वो हम यूज करेंगे अगर हमें इंसर्ट करना है एट दैट पॉइंट, और फ्रंट हम यूज करेंगे जबकि हमें एलिमेंट डिलीट करने हैं। तो अभी देखते हैं हम सर्क्यूलर क्यू कैसे वर्क होता है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट का एग्जांपल देखते हैं। करंटली आप ये पोजीशन देख सकते हो कि फ्रंट मेरा जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, रेयर जो है वो 7th पोजीशन पे है। अगर हमें इंसर्ट करना है तो हमें कौन सी एंड पे इंसर्ट करना होगा? यस, परफेक्ट, वी हैव टू इंसर्ट एट रेयर पोजीशन। तो रेयर हमारा 7th पोजीशन पे है तो हमें क्या करना है, इंसर्ट करने के लिए हमें रेयर अपडेट करना है, वो आ गया 8th पोजीशन पे और यहाँ पे हम हमारा नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। फिर से अगर हमें इंसर्ट करना है तो हमें रेयर अपडेट करना होगा, रेयर आ गया 9th पे और यहाँ पे मैंने नया एलिमेंट 99 इंसर्ट कर लिया। तो अभी देखते हैं क्या हम नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें क्या करना होगा, रेयर इंक्रीमेंट करना होगा सर्क्यूलरली, बिकॉज ये जो है वो सर्क्यूलर क्यू है और हमें राउंड एंड राउंड घूम के उसको इंसर्ट करना है। करंटली जो आपका रेयर है आप देख सकते हो यहाँ पे 9th पोजीशन पे है, इसका मतलब कि मैक्सिमम साइज पोजीशन पे है और हमें नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पे इंसर्ट करना होगा, 0th पोजीशन पे इंसर्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये मैक्सिमम साइज पोजीशन पे है, इसका मतलब हमें इंक्रीमेंट जो करना है वो आपके फॉर्मूले के साथ करना है। तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। अभी हालांकि आप ये ध्यान में रख लो कि 9 पे से मैंने रेयर 0 पे ले लिया और यहाँ पे अब मैं नया एलिमेंट इंसर्ट कर पा रही हूँ। फिर से अगर मुझे इंसर्ट करना है तो यहाँ पे और एक पोजीशन अवेलेबल है, इसलिए मैंने रेयर को अपडेट कर लिया नेक्स्ट पोजीशन पे और यहाँ पे मैंने वो इंसर्ट कर लिया। तो अभी हम देखते हैं कि हाउ मॉड्यूलर डिवीजन हेल्प्स टू सर्कुलर इंक्रीमेंट। जो कि हम सर्कुलर इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसके लिए हमें हमारा मॉड्यूलर डिवीजन जो फंक्शन है और फॉर्मूला है वो हमें कैसे मदद करेगा। तो अभी आप देख सकते हो कि फिर से मेरा रेयर जो है, ये सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रही हूँ, जो रेयर है वो 9th पोजीशन पे है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अभी रेयर कहाँ पे है, 9th पोजीशन पे, तो ये वाला रेयर रिप्लेस कर लो 9 से, 9 + 1 हो गया 10, 10 मॉड्यूलो डिवीजन 10, ये रिजल्ट क्या देगा आपको, 10 इज डिवाइडेड बाय 10, डिवीजन विल बी 10 बट दिस मॉड्यूलो डिवीजन विल वर्क ऑन अ रिमाइंडर, इट रिटर्न्स अ रिमाइंडर वैल्यू, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, इट विल बी 0, दैट विल गेट असाइन टू दिस रेयर पॉइंटर, रेयर वेरिएबल विल गेट अपडेटेड विद द वैल्यू और द रिजल्ट ऑफ दिस इक्वेशन इज नथिंग बट 0, सो अल्टीमेटली इट विल गो टू द स्टार्ट ऑफ द क्यू। सो नाउ बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला माई रेयर विल गेट अपडेट एंड विल पॉइंट टू द पोजिशन 0 एंड नाउ हियर आई कैन इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट।
अगेन इफ यू वॉन्ट टू इंसर्ट, नया एलिमेंट अगर हमें इंसर्ट करना है तो फिर से हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आपका फिर से फॉर्मूला है, अभी आप देख सकते हो कि रेयर मेरा जीरो पे है, तो रिप्लेस दिस रेयर बाय जीरो, जीरो प्लस वन आपका हो गया वन, वन मॉड्यूलो टेन इज नथिंग बट व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, वन। ये वन आपको रेयर को इनिशियलाइज करना है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रेयर जो है वो अपडेट हो जाता है और वो वन को इनिशियलाइज कर लेता है और यहाँ पे हम हमारा नया वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर राउंड एंड राउंड मूव होना है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। मैंने अभी जो एग्जांपल एक्सप्लेन किया वो रेयर के लिए एक्सप्लेन किया था क्योंकि हम वहां पे इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। सिमिलरली अगर आपको डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है जहां पे हमें सर्क्यूलरली फ्रंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है। सो ये जो दोनों फॉर्मूलेज है वो हमें हेल्प करते हैं राउंड एंड राउंड मूव होने के लिए, सर्क्यूलर इंक्रीमेंट के लिए। सो इस तरह से हमारा सर्क्यूलर क्यू वर्क होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उस पर कमेंट करना ना भूलिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलिए। यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ मैं इसी वीडियो सीरीज का नेक्स्ट वीडियो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ और पूरा वीडियो सीरीज भी प्लेलिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, थैंक यू।